पटवारी दे पेपर दे विच एग्रीकल्चर दे पेपर दी कितनी इंपॉर्टेंस है, उस सब्जेक्ट दी कितनी इंपॉर्टेंस है, कोई दोहराने दी जरूरत नहीं। और इहदे च किस तरह दे एमसीक्यू आने ने, आओ अज आपां थोड़े जिहे कुछ एमसीक्यू करके देखिए ते देखिए कि असीं कितनी क तैयारी कर बैठे होए हां। पहला क्वेश्चन साडे सामने जिहड़ा आउंदा है, दैट इज IR8 वरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। IR8 जिहड़ी वरायटी है, जीरी दी वरायटी है, ये इंडिया दे विच इंट्रोड्यूस की गई, तो यह कितों इंट्रोड्यूस की गई, देखिए किहड़े देश तो इंट्रोड्यूस हुई है। ऑप्शन साढ़े कोल कड़ी कड़ी ने, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, USA, ठीक है, चार साढ़े कोल ऑप्शन ने। और ये जरा सा ठीक जवाब है, दैट इज फिलीपींस। नाउ फिलीपींस साडा ठीक जवाब क्यों है, ठीक है, सानू थोड़ा जा ये भी जान लेना चाहिए और सानू ये भी पता होना चाहिए कि जी IR8 वरायटी है यह जीरी की वरायटी है, और जीरी की वरायटी जो ये इंट्रोड्यूस की गई सी, इट बिकेम ए पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के जो असं ग्रीन रेवोल्यूशन की गल करते हैं तो वो असं गल करते हैं बेसिकली दो ही फसलों ने जिड़िया वो इंपोर्टेंट आ जाए ने, उन्होंने स्टेपल डाइट भी कह देंगे अपनी, वीट एंड राइस, ठीक है। सो वीट जोड़ा वरायटियाँ वो जी वरायटी से जी लर्मा रोजो एंड सनोरा 64 लर्मा, वीट की जी वरायटी सी लर्मा रोजो और दूजा सोनार, दूजा साड़ी जी वरायटी सी दैट वॉज साड़ी सोनोरा 64 सन, लेट मी राइट इट अगेन, सोनोरा 64 ये दो वरायटियां वीट दियां सीगियां जिन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया इन स्टार्टिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। और जिहड़ी जीरी की वरायटी सी या राइस की वरायटी सी दैट वॉज IR8, ठीक है। यह जिहड़ियां वरायटियां सी वीट दियां, दीज वर एक मैक्सीकन इंस्टीट्यूट सी दैट वॉज CIYYT, ठीक है, ये उतों आई हैं। एंड the person who produced these varieties was Dr. Norman Borlaug, aur india de vich us vele kisne inna nu zyada prachalit karan de vich madad kiti, that was Dr. M.S. Swaminathan, theek hai। so jadon apan kuch question karde haan ta apan unna di background ch chale jande haan, aur background de naal jadon gal karde haan sanu kuch hor cheezan da pata lagda hai। main gal kar raha hi thode naal IR8 di, so IR8 jehdi variety hai eh philippines de vich IRRI, that is International Research Rice Research Institute, जिहड़ी कि मनीला दे विच है, उत्थों यह वरायटी जिहड़ी सी डिवेलप होकर इंडिया दे विच आई। और इन्हां वरायटीज़ दे विच खास तौर पर पैड़ी दे विच एक इंडिया दे साइंटिस्ट जिहड़े सी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत वड्डा रोल प्ले किया, और उन्हां दा नाम है दैट इज डॉक्टर जी एस खुश, सो उन्होंने नाम है Dr. G.S. Khush, जिन्होंने डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश जिन्होंने पैड़ी दे विच बहुत अहम काम किया। सो ये देखते हैं कि दैट वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन से चलिए असं देखते हैं, सॉयल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय, मिट्टी दे विच जिहड़ा सॉयल दा मॉइस्चर है उन्हों असीं किवें मैजर करते हैं, उहदी उहनू किवें जो है मापिया जाता, और वह ऑप्शन किहड़ियां ने साडे कोल, टेंसियोमीटर, बैरोमीटर, विंड वेन एंड रेन गॉज, ठीक है जी। रेन गॉज की चीज़ होंदी है, वह बारिश नू मैजर करता है कि किन्नी बारिश हुई है, ठीक है जी। आम तौर पर वैसे पटवारी तुसीं पेपर दे रहे हो तो पटवारी दा एक काम यह भी होंदा है, उन्हें पता होना चाहिए कि वह नोट करे कि अज के दिन बारिश हुई है पिंड दे विच, किन्नी बारिश हुई है, किन्ने बजे बारिश हुई है, उहदा सारा रिकॉर्ड भी असीं पटवारी नूं मेनटेन करना पैंदा। चलो ये भी थोड़े वास्ते एक नवी जानकारी है। विंड वेन की होंदी है, ये सानू दसदी है, असीं देखदे हां कि वह कुक्कड़ लग्या हुंदा छतां दे उत्ते, वह तीर लगे होंदे ने, दैट इज़ कि किहड़े पासे हवा चल रही है, दैट इज़ विंड वेन,
बैरोमीटर, बैरोमीटर की होंदा है, ये सानू हवा का प्रैशर दसदा है कि इस जगह के उत्ते हवा का प्रैशर किन्ना है। सो टेंसियोमीटर इज द आंसर कि यह मैजर करता है कि पानी मिट्टी दे विच किन्ना है और किन्ना नहीं है। सो दैट इज़ द राइट आंसर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द टेंसियोमीटर कि मिट्टी दे विच एक सुराख करके उहदे विच यह टेंसियोमीटर नूं खोब दिता जाता है और फिर इत्थे टेंसियोमीटर है इहदे विच ग्रीन होवे, ग्रीन पार्ट दे उत्ते होवे, ठीक है जी, कुछ पार्ट ग्रीन हुंदा इत्थे, लेट अस से जे ग्रीन पार्ट ते होवे तां असीं समझदे आं कि भी पानी प्रॉपर पानी हैगा, और जे रेड ते चला जाए दैट मीनस कि पानी जिहड़ा सी साडा उह घट गया है। सो इस तरीके नाल जिहड़ा सीगा इह टेंसियोमीटर काम करदा है। और खास तौर पर यह जीरी दे विच बहुत यूज़ किया जाता है, जीरी की फसल दे विच सानू पता है कि पानी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए है, तो खास तौर पर जीरी दे विच यह बहुत कम आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन द मोस्ट सक्सैसफुल इन, ये मैं थोड़े ना पहले ही गल कर चुके हाँ कि जिहड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कड़िया फसलों के सब तो ज़्यादा कामयाब रहा है। मैं लगता कि हूँ तो थोड़ा आंसर पता लग ही चुका हो, दैट इज़ वीट एंड राइस। और जिम मैं थोड़े ना पहला गल की सी वीट के जो मेजर काम किया ग्रीन रेवोल्यूशन वास्ते, दैट वॉज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और उन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिले 1970 उन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिले, ठीक है जी। सो दैट इज़ एडिशनल इनफॉर्मेशन। और इंडिया दे विच जिहड़ा सीगा काम कीता इहदे विच ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच बहुत वड्डा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और इहदे नाल ही एक होर जानकारी कि ग्रीन रेवोल्यूशन दा वर्ड जिहड़ा हैगा ये किने इजाद किया या पहली बार ये टर्मीनोलॉजी किने यूज़ की, यूएस एड एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जिहड़े सीगे डॉक्टर गॉड उन्होंने यह ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड जिहड़ा सी पहली बार यूज़ किया और यह दुनिया भर के यह अक्षर मशहूर हो गया। सो इस तरीके नाल असीं देखते हैं कि कुछ एक जिहड़े वर्ड्स ने और उन्होंने आंसर किस तरीके नाल बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। दैन फर्स्ट इरीगेशन टू द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट, ठीक है जी, कनक नूं पानी जिहड़ा सीगा ਉਹ ਫਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, CRI ਸਟੇਜ, ਟੈਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਜੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਡੋ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ CRI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जी है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CRI स्टेज, टेलरिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज एंड डो स्टेज। सो यह चार स्टेजिज ने, तो यदा साडा जो आंसर है दैट इज CRI स्टेज, दैट इज़ क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। हुण क्योंकि आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे पर थोड़ा जा पता जिहड़ा सीगा सानू जे होवे तां होर थोड़ा जा बेहतर हो जाता है। तो आओ देखिए कि यह जिहड़ी स्टेज है बेसिकली ये स्टेज किस तरह की स्टेज है, ठीक है ना। जदों भी असी कोई बी लगाने, ठीक है जी, लेट अस से कि असी कोई बी लगाया, ठीक है, उहदे विच की हुंदा पहला ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇਲੇਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਟੇਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੈਟਸ ਏ ਕਾਰਡ ਆਫ ਐਮਬ੍ਰਿਓ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਲੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਫਰੂਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋਅ ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਉਹ ਜੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੁਆਇੰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੋ ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਡੋ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਸੋਇਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਸੋਇਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਜਰਡ ਬਾਏ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਪੀ ਐਚ ਵੈਲਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੀਡਿਕ ਔਰ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਫੋਰ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲਸੋ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਵਾਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸਿਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਪਸਮ ਲਾਈਮ ਆਇਰਨ ਪਾਇਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੂਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੂਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕਲਾਈਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਪਸਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਬੋਲਵਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਕੀ ਕਣਕ ਕੋਟਨ ਕਪਾਹ ਕੇ ਜੀਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਲਵਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਰੂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੂਟ ਬੋਰਿੰਗ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਫਰੂਟ ਬੋਰਿੰਗ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਹ
और यह टींडे अंदरों खा जाता है, इस करके जो सगा यह कपाह जो सगा बहुत नुकसान करता है। इंडिया रैंक इन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन दे विच इंडिया का रैंक की है? ठीक है जी, एक सानू पता होना चाहिए कि लाइवस्टॉक जिमें बंदियां दा सेंसस होंदा है, आदमियों का सेंसस होंदा है, इंसानों का सेंसस होंदा है, दैट इज जनसंख्या मैजर की जाती है। लास्ट सेंसस जो होया सीगा पॉपुलेशन का, दैट वॉज 2011 दे विच होया सीगा, और ये हर साल कराया जा, हर 10 साल बाद कराया जाता है, और 2020 तो शुरू होना सी ते 21 दे विच खत्म होना सीगा, दैट इज द पॉपुलेशन सेंसस, पर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये नहीं हो सकिया, पर यह जरा सी पोस्टपोन किया गया है। इसी तरीके लाइव स्टॉक दैट इज जानवरों का सेंसस भी होंगे, और यह जो सेंसस किया गया सी दैट वॉज 2019 होया सीगा, ये कदों होया, 2019 सेंसस होया सीगा, और उस सेंसस के मुताबिक असी देखते हैं कि इन जरा सीगा इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा जानवर ने, इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा, दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा जानवर जरा सीगा दैट इज़ इंडिया दे विच पाए जाते हैं, और तकरीबन 53 करोड़ 57 लाख जो सके इंडिया दे विच जानवर ने, और उन्होंने असी की देखते हैं कैटल, ठीक है, 19 करोड़ कैटल है, 10 करोड़ मझां ने, 14 करोड़ जो बकरियां ने, 74 करोड़ 40 लाख जो करीब जो साढ़े को भेडा है, फिर सूर है, मुर्गियां है, तकरीबन 57 लाख के करीब जो है ये लाइव स्टॉक कैटल पॉपुलेशन है। सो यह सन दुनिया के सब तो ज़्यादा जी है कैटल पॉपुलेशन दैट इज़ फाउंड इन इंडिया। ठीक है, सो ये छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कैटल, ठीक है जी, दिस इज़ बफेलोज, दिस इज़ शीप, दिस इज़ गोट, दिस इज़ द सेंसस दी फिगर्स है ने। सो मुढ़ली जी जानकारी थानू ये बारे होनी चाहिए है। ठीक है, मोस्ट डेफिशिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉयल इज़, नाउ सब तो पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट ते माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट मीनस सानू ये भी पता होना चाहिए जेडे कि न्यूट्रिएंट्स कड़े होंदे ने एक तरह के अपनी जमीन दे विच, ओ चीज़ा जिहड़ियां कि बूटियां नू उन्हां दी पैदावार वास्ते बहुत जरूरी होंदियां ने, दैट इज आपां NPK पाने, नाइट्रोजन फॉसफोरस जिहड़ा सीगा असीं पाने खेतां दे विच, खाद पाने, वह क्यों पाने, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी, और वह फसल की पैदावार वास्ते बहुत जरूरी होंगे ने, उन्हां दी ग्रोथ वास्ते बहुत जरूरी होंगे ने। सो इन्हां दे विचों किहड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिहड़ा कि बहुत जिहड़ा सी डेफिशिएंट होंदा, दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है जी, और मैक्रोन्यूट्रिएंट कड़े कड़े अपना नाइट्रोजन फॉसफोरस पोटाशियम सल्फर कैल्शियम मैगनीशियम, और माइक्रोन्यूट्रिएंट कड़े कड़े ने आयरन मैंगनीज कॉपर जिंक बोरॉन क्लोराइड एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है जी, सो दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द वन महोत्सव डे इज इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, बेसिकली वन महोत्सव वीक ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया, इंडिया दे विच वन महोत्सव वीक ऑब्जर्व किया जाता है, और वह जुलाई के पहले हफ्ते च बिलीव एक तो लैके 7 जुलाई के तक जो है वन महोत्सव वीक मनाया जाता है इंडिया दे विच, और इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर KM मुंशी हुए ने, उन्होंने फॉरेस्ट बारे के जंगलात बारे और दरख्तों बारे लोगों के विच एक संवेदनशीलता पैदा करने वास्ते इस चीज़ को शुरू किया सीगा, और आम तौर पर स्कूलों के भी असी हर साल देखते हैं कि बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वन महोत्सव मनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा बूटे लगाओ और दरख्त लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड टू इंश्योर ए फेवरेबल साल्ट बैलेंस इन द सॉयल, खेतों के वाधू पानी कढ़न वास्ते, ठीक है जी, जिहड़ा सीगा उसनों तां कि उहदे विच प्रॉपर पानी की मात्रा और उहदे च जिहड़े नमक की मात्रा ठीक रहे, उस प्रोस उसनों की कहा जाता है, ऑप्शनस कहड़े कहड़े साढ़े कोल, एग्रीकल्चर ड्रेनेज इनफिल्ट्रेशन रन ऑफ एंड लीचिंग, ठीक है, एक्सैस वॉटर ज़्यादा पानी नूं कढ़न वास्ते। नाउ पहली गल तो थानू मैं ये दस दिया, इरीगेशन किनू कहिंदे ने कि बूटियां नूं या खेतों नूं पानी देने वास्ते जिहड़ा सीगा आर्टिफिशियल
मैथड ऑफ अपलाइंग वाटर कि बूटे बूटियां नूं असीं जदों इंसानी तौर पर पानी दिंदे आ दैट इज़ असीं अपने वालों पानी दिंदे आ कि वह बारिश नाल पानी नहीं आ रहा उस चीज़ नूं इरीगेशन कहा जाता है। पर जे पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर वह पानी नूं की करना पैंदा है उनूं ड्रेन करना पैंदा है उनूं की कहा जाएगा उनूं एग्रीकल्चर ड्रेनेज कहा जाएगा दैट विल बी नोन एज एग्रीकल्चर ड्रेनेज। इनफिल्ट्रेशन कैड़ी होंगी है किसी चीज़ का किसी विच वड़ जाना जबरदस्ती बिना पुछे दैट इज़ इनफिल्ट्रेशन कि जो पानी जमीन दे विच चला जाता है उन्हों इनफिल्ट्रेशन कहांगे असी उह। ठीक है जी, रन ऑफ जिहड़ा पानी जमीन च नहीं वड़ सकदा और वह नालियां राही वग जाता है दैट इज़ रन ऑफ। और लीचिंग की होंदा है कि असी खेत नू पानी तो देता पर जमीन ने पानी जीरिया जिहड़ा सीगा उह संजोया नहीं उह जीर के थले चला गया उस चीज़ नू की कहा जाता उन्हों लीचिंग कहा जाता। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी असी। सॉरी कांडी सॉयल इज मोस्ट प्रेवलेंट इन विच एरिया, वो स्लाइड अगे होगा इस तो चीज आंसर तो पहले देख ही लिया है। ठीक है जी, सो कांडी सॉयल इज प्रेवलेंट इन ए पठानकोट इसका आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि असं देखते हैं कि यह वाला जो यही है एक कंडी एरिया कहा जाता है इनू सब माउंटेनियस एरिया कि एरिया है कि पहाड़ी पहाड़िया सब माउंटेनियस अनड्यूलेटेड एरिया है छोटी छोटी पहाड़िया ने सो इस एरिया कंडी एरिया कहा जाता है। तो पठानकोट जोड़ा एरिया है दैट इज़ कंडी एरिया आ जाता है ये वाले इलाके तो प्लेन्स के आ जाते हैं ये सारे इलाके प्लेन्स के आ जाते हैं। ग्रोइंग ऑफ कोकोनट ब्लैक पेपर जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। ठीक है जी, एग्रोफोरेस्ट्री के जो असी चीज़ा देखते हैं तो असी यह भी देखते हैं एंड खास तौर पर क्रॉपिंग के असी ज्यादा चीज़ा देखते हैं वो भी देखते हैं कि इको जगह के उत्ते असी अलग अलग कड़ी कड़ी चीज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कि असी उन्होंने चीज़ों लगाइए तो सारिया चीज़ा जगह उग सकन। ठीक है, सो रिले क्रॉपिंग इन ये ऑप्शन ने सारे इंटरक्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। ठीक है, सो रिले क्रॉपिंग की होंगी है, रिले क्रॉपिंग होंगी है कि जो कोई फसल हाले कट्टी नहीं गई पर अगली फसल का बी और पा दिता गया दैट इज़ नोन एज रिले क्रॉपिंग ताकि सानू को बहुत टाइम ना लगे अगली फसल भी टाइम सिर तैयार हो जाए। इंटरक्रॉपिंग दैट इज़ फसल जी आपस के ज़्यादा और मल्टीपल क्रॉपिंग के एक तो ज़्यादा फसल कट्ठिया लगाना जो यह जे क्रॉपिंग मैथड जो असी करते हैं वो ये चीज़ा असी देखते हैं और नाल असी मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग की होंगे जिमें आप बिल्डिंग्स बनाते हैं मल्टी स्टोरेड उस तरीके मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग होंगी है और असी देखते हैं कि दरखत भी लगाते वो झाड़ियाँ भी लगातियाँ तो छोटे बूटे भी लगाते ना। साडा क्वेश्चन की सीगा कि कोकोनट ब्लैक पेपर एंड जिंजर जिंजर जिहड़ा सीगा तुहाडा यह अदरक यह जमीन दे विच अंदरले पासे हुंदा है छोटा बहुत छोटा साइज़ हो गया इहदा और जिहड़ा ब्लैक पेपर हो गया यह झाड़ियाँ हो गई बहुत उच्चियां ना हुई और कोकोनट किहड़ा हो गया बहुत उच्चा दरख्त हो गया दैट मीनस इन्हां तिन्हां चीज़ां नूं जदों असीं लगा दिंदे हाँ तो यह मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग हो गई। ठीक है जी, असीं देखते हाँ कि आ छोटे बूटे हो गए ये उस तो वड्डे बूटे हो गए उस तो वड्डे बूटे हो गए सो दिस इज़ नोन एज मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग एग्रोफोरेस्ट्री के इस चीज़ को बहुत यूज किया जाता है। द टी टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय एवरग्रीन रेवोल्यूशन की टर्मीनोलॉजी है एक किने दिती दिस हैज़ बीन गिवन बाय नन एल्स दैन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के जेडे इंडिया दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन लियाउण वाले जिहड़े सीगे ही वॉज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उस वेले इह इंडियन काउंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दे हैड सीगे ICAR इंडियन काउंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिहनूं असीं पूसा दे नाम नाल भी जानते हाँ दिल्ली च इहदा हैडक्वार्टर है। सो दिस इज़ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उन्होंने यह टर्मीनोलॉजी दी सी। सो मतलब की एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कि सानू जड़ी तरक्की है खेतों के उत्पादन की मतलब उन्होंने वधाने वास्ते
सानू ये नहीं कि रुक जाना चाहिए कि हाँ जी असी एक बार वरायटी यूज़ कर लेती, सोनार यूज़ कर लिया, जय यूज़ कर लिया, या आई आर 8 यूज़ कर लिया, या लर्मा रोज यूज़ कर लिया तो बस खत्म हो गया। नहीं, ये प्रोसैस कॉन्टीन्यू रहना चाहिए ता कि जी सी समय के नाल ना साड़ी होर ग्रोथ होंगी रहे और फसलों की जी पैदावार है वह बढ़ सके। सो दैट इज़ वट इट वॉज गिवन बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। फूड पार्क, ITC फूड पार्क इज सिचुएटेड एट, सो ऑप्शन की है लुधियाना, मोगा, जलंधर से कपूरथला, और यदा आंसर की है कपूरथला। ठीक है, कपूरथले ITC इंडियन टोबैको कंपनी भारत की एक बहुत वड्डी जी सी ये कंपनी है, FMCG दे विच कंपनी है, FMCG। हाँ जी, यदि फुल फॉर्म की है होंगी है FMCG दी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यदि फुल फॉर्म की होंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो दैट इज अनदर एक क्वेश्चन जरा सी आई थिंक यू शुड नो। और ये भी पता होना चाहिए कि ये मैगा फूड पार्क है और मैगा फूड पार्क वास्ते घट्टो घट जी जमीन चाहिए है वह 50 किले जमीन चाहिए है। 50 किले जमीन हो ही मैगा फूड पार्क जो उ लगया जा सकता है। ठीक है, फॉरैसट कंजरवेशन एक्ट वॉज इनैक्टिड इन विच ईयर, जोड़ा फॉरैसट कंजरवेशन एक्ट है ये कि साल में बनाया गया सगा। ठीक है जी, सो यदि ऑप्शन थोड़े को 1980, 90, 2000, 2001, तो आंसर की है साडा ये 1980 साडा जवाब है। इरीगेशन मैथड सूटेबल फॉर लोलैंड राइस एंड जूट। ठीक है जी, ना लोलैंड राइस एंड जूट वास्ते केड़ा मैथड जोड़ा है पानी देने का सब तो ज़्यादा वधिया मनिया जाएगा। और जदों आप गल करते हैं थोड़ा आई थिंक जीरी तो पता ही होना है कि जीरी सानू सब तो ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत पैंती है, वो तो खड़े पानी सानू जीरी लानी पैंती है। दैट मीनस उन्होंने खड़ा पानी चाहिए, लंबे समय वास्ते पानी चाहिए, दैट मीनस वो फ्लडिंग होनी चाहिए है। की होनी चाहिए है? फ्लडिंग होनी चाहिए है। ठीक है, सो साडा जवाब की होएगा, फ्लडिंग इज द जूट जोड़ा सगा ओदे वास्ते भी जैसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो मैं थोड़ा पहला दस रहा है जो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे कि जूट जी है ये थोड़े बंगाल के एरिए बहुत ज़्यादा होंगी है और खास तौर पर जो थोड़ा सुंदरबन वाला एरिया होगा जिथे कि पानी बहुत खड़ा रहा है, मार्शी एरिया है, उत्थे ये जी जूट बहुत ज़्यादा होंगी है। सो दैट मीनस उन्होंने खड़ा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। सो दैट मीनस फ्लडिंग मैथड जरा इट इज़ द मोस्ट सूटेबल। दिस इज रिंग बेसिन मैथड जरा थोड़ा दैट इज़ के इस तरह के चक बनाए जा दरख्तों के आले दुआले बनाया जाता है, उन्होंने रिंग बेसिन मैथड कहा जाता है। और दिस इज़ द फ्लडिंग मैथड के पानी खड़ा कर दिता अपने, ये दिस इज़ साडा चक बेसिन मैथड के चक बनाते जाते हैं, ये चौरस जरा एक एक करके फिर उन्होंने पानी लाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट सरफेस मैथड्स ने यह सारे पानी देने दे। तो और ड्रिप इरीगेशन तुम जानते हो कि वह बूंद बूंद करके जो पानी दिता जाता है, दैट इज़ नोन एज ड्रिप इरीगेशन। वट इज़ द प्राइस कॉल्ड विच इज़ फिक्सड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट फार्मर्स। ठीक है जी, FRP, MSP, MRP, GST। GST की फुल फॉर्म तो थोड़ा पता ही है इस वेले गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। MRP मैक्सीम रिटेल प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड FRP फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस। उन्होंने की कहा जाता है फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। सो साडा जवाब क्यों होएगा, दैट इज़ MSP साडा जवाब है। इतने की जवाब है साडा है MSP फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस। नाउ यह जो MSP वाला सिस्टम है यह लेट आया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस वेले शुरू किया गया। उस तो पहला गन्ने वास्ते जरा एक शुगर कंट्रोल एक्ट हों और जरा सपोर्ट प्राइस अनाउंस होया करती सी। वह फिर 2009 दे विच उस प्रोसैस में चेंज करके FRP सिस्टम जरा इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ फेयर एंड रेमूनरेटिव प्राइस। दैट विल डिपेंड अपॉन के गन्ने की किन्नी जी सी किन्नी चीनी निकलती है और किन्नी गन्ने लगाने की कॉस्ट है, वो सारे मैथड में यूज करके जरा उस तो बाद FRP अनाउंस की जाती है। ओ एंड वंस अगेन ये दोनों चीज़ा बेसिकली रिकमेंड कौन करता है, CACP। यदि फुल फॉर्म की है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नाउ CACP रिकमेंड करता है, डिसाइड नहीं करता, इस बारे थोड़ा तो पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। डिसाइड कौन करता है,
कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस नो इनू जो डिसाइड करता है दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ठीक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिद कि विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड करती है प्राइस ये डिसाइड करती है रिकमेंड कौन करता है सी ए सी पी करता किसान डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर किसान डे ठीक है जी ऑप्शन की हैं 23 नवंबर 23 दिसंबर 23 सितंबर 23 मई ठीक है जी सो बेसिकली किसान डे मनाया क्यों जाता है तो ये बारे मैं लगता बहुत घट लोगों को पता होगा दिस इज़ द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह जेडे कि बहुत थोड़े समय वास्ते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे कोई 8-10 महीने वास्ते प्रधानमंत्री रहे सो उन्हों का जो बर्थडे है दैट इज़ सैलीब्रेटिड एज द किसान डे मनाया जाता है ठीक है जी और दैट इज़ 23rd of December जे थानू पता हो उन्होंने पोलीटिकल पार्टी अपनी बनाई सी और उन्हों का बेटा भी इस वेले पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव है दैट इज़ चौधरी अजीत सिंह उन्हों की अपनी जी सी अलग पार्टी है ठीक है किसान डे 23rd of December नैक्सट क्वेश्चन है साडा है मोस्ट एफिशेंट इरीगेशन सिस्टम इज़ आई थिंक ये सानू कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन सब सरफेस इरीगेशन द फ्लडिंग सो मोस्ट एफिशेंट इरीगेशन सिस्टम ऑफ कोर्स इज ड्रिप इरीगेशन ठीक है जी क्यों क्योंकि इतने बूंद बूंद जरा वह पानी दिता जाता है दैट इज ड्रिप इरीगेशन ब्लैक सॉयल इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री जी काले रंग की मिट्टी है ये ज़्यादातर किहड़े एरिए दे विच पाई जाती है ठीक है जी और काले रंग की मिट्टी आई थिंक सन ये भी पता होएगा कि दिस इज द मोस्ट सूटेबल सॉयल फॉर कॉटन और कॉटन जरा सिगा गुजरात ईस्ट नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र इस इलाके दे विच ब्लैक सॉयल बहुत होंदी है और ब्लैक सॉयल होने का मेन कारण है कि ये आयरन मैगनीशियम तो एलुमीनियम जरा सिगा वह ज़्यादा होंगे और ये जी घाट होंगी है नाइट्रोजन की घाट होंगी है ठीक है जी सो साडा जवाब की होएगा ये महाराष्ट्र साडा ये जवाब होएगा ब्लैक सॉयल इज रिच इन मैटल सच एज मैगनीशियम एलुमीनियम हाउएवर इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फॉस्फोरस ठीक है जी सो इस तरीके नाल असीं देखते हैं कि असी इस तरीके के क्वेश्चन जिहड़े सीगे अपने मॉक टेस्टां दे विच करांगे और असी एक सीरीज़ शुरू की हुई है दैट इज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर द पटवारी और मैं उम्मीद है कि जे तुसी वो मॉक टेस्ट सीरीज़ करोगे तो थोड़ी बहुत अच्छी तरह तैयारी होएगी एंड दैट इज़ वट वी एडवाइज़ यू कि यह मॉक टेस्ट सीरीज़ चंगी तरह करो और चंगी तरह करके जो अपने अच्छे नंबर हासिल करने वास्ते जो अपना एक अच्छा मैरिट दे विच आने वास्ते जो एक बहुत अच्छा उपराला होएगा और उस उपराले दे विच असी जिहड़ी सी जिन्नी कर सकते हैं मदद दैट इज़ वट वी आर डूइंग ओके थैंक यू